अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के एपिसोड 15 के बारे में बताएंगे। अब ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। अब होगी इस ड्रामे की असल कहानी शुरू। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक तरफ तो माही की शादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी होती हैं, जबकि दूसरी तरफ इस हकीकत से भी अभी तक पर्दा नहीं उठा कि फरहाद अभी तक जिंदा है। मगर माही फरहाद की मौत को लेकर तड़प कर रह गई है। माही अपने रूम में बैठी रो रही होती है। उसे अपनी शादी की कोई खुशी नहीं होती और ना ही कोई रंग उड़ने की चाहत। माही को उसकी भाभी बार बार यही समझा रही होती है कि जो होना था हो गया, इस सब से अब कुछ भी नहीं होने वाला। माही की भाभी उसे समझाते हुए कहती है कि अगर इस बात की तैमूर के घर वालों को जरा सी भी खबर हो गई तो हमें हजार वजाहतें देनी पड़ जाएंगी। इतने में रिदा भी माई के रूम में पहुंच जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारी पेशेमानी खत्म हो भी गई तो तुम्हें तुम्हारे जमीर की अदालत से कैसे रिहाई मिलेगी, वो तो तुम्हें कटहरे में ही खड़ा रखेगी। बस माही रोते हुए रिदा के गले लग जाती है और कहती है कि तुम्हें तो मालूम है मैं ये सब नहीं चाहती थी। इतने में माही की बारात भी पहुँच आती है और माही का निकाह तैमूर के साथ हो जाता है और बिलाखिर माही की रुखसती हो जाती है। माही की रुखसती हो जाने के थोड़ी देर बाद शाहजी का मुलाजिम नूरा भागता हुआ आता है और शाहजी को बताता है कि माही की बारात पर रास्ते में किसी ने हमला कर दिया है जिसमें तैमूर साईं को गोली लग गई है। माही की बारात पर छोटे शाहजी के दुश्मनों ने हमला किया है जिसकी जद में आकर तैमूर साईं जान की बाजी हार जाता है। माही अपने शोहर को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। शायद ये सब फरहाद की दी हुई बददुआ से होता है जो माही को ये हाल देखने पर मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ फरहाद के घर में भी फरहाद की मौत की वजह से सफे मातम बिछा होता है। फरहाद की बहन अपने बड़े भाई के गले लगकर रो रही होती है और कहती है कि तुम फरहाद भाई को क्यों नहीं लेकर आए, जबकि फरहाद का बूढ़ा बाप भी इंतहाई गमजदा होता है और बैठा अपने बेटे को याद कर रहा होता है। दोस्तों, अब कहानी में मजीद ट्विस्ट आता जाएगा। बात करें फरहाद की कि आखिर वो कहाँ है। फरहाद जो के माही से सच्चा इश्क करता है वो मुल्तान में एक दरबार पर बाबा जी के साथ देखा जाएगा जिस बाबा जी के पास तैमूर की माँ आई थी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की मुकम्मल कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।